हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को। मैं दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। उसी का दोस्तों आज की सीरीज में हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि दोस्तों पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है टोटल आपातकाल की घोषणा के पीछे जो टोटल 5 कारण था उसको हम लोग पढ़ चुके थे। आपको एक एक करके हम लोगों ने डिटेल्स में बताया था। सबसे पहला कारण था आपका आर्थिक कारक, दूसरा कारण था दोस्तों छात्र आंदोलन जो कि गुजरात में भी चला था और आपका बिहार में भी चला था, ठीक है। फिर तीसरा कारण था दोस्तों नक्सलवादी आंदोलन, चौथा था आपका रेल हड़ताल और पांचवा था न्यायपालिका से संघर्ष। तो दोस्तों ये टोटल पांचों कारण के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में डिटेल्स में पढ़ लिए थे, ठीक है। आज की सीरीज में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आपातकाल की घोषणा जब हुई उस समय क्या क्या हुआ, उसके बाद इसका परिणाम क्या क्या हुआ, यानी कि आपातकाल घोषणा होने के बाद इसका जो परिणाम है वो क्या क्या हुआ, ठीक है। इसके पक्ष में कौन कौन लोग थे, इसके विपक्ष में कौन कौन लोग थे, उसका क्या क्या कहना था। फिर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि आपातकाल जब लागू होती है तो उस समय जो केंद्र सरकार को है कौन सी बड़ी बड़ी जो पावर है वो मिल जाती है। बस इन्हीं चीजों को दोस्तों आज की सीरीज में पढ़ेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो 6 चैप्टर आपका यानी कि जो 6ठा चैप्टर है उसको हम लोग आज की सीरीज में समाप्त करें, ठीक है। तो जो भी बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं प्लीज जाइए पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, तभी दोस्तों आपको ये चैप्टर देखने में बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर आपके लिए कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग है और इससे क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो खत्म होने के बाद यानी कि एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद इसका जो है फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं आपातकाल की घोषणा के बारे में। कल जो है हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे यानी कि जो आपका न्यायपालिका से संघर्ष था, इस न्यायपालिका से संघर्ष इसमें जो है दोस्तों टोटल 3 संवैधानिक जो है मसले उठे थे, हम लोगों ने एक एक करके देख लिया था। फिर जो आपका 2 कारण था तो वो दोनों कारण को भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आज की सीरीज में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आपातकाल की घोषणा के बारे में। चलिए सबसे पहले देखते हैं 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उसके जो न्यायाधीश थे जिसका नाम क्या था, जगमोहन लाल सिन्हा। क्या नाम था? जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को जो है अवैध करार दिया। यानी कि जो निर्वाचन यानी कि जो इंदिरा गांधी जो उस समय चुनाव होने के बाद जो प्रधानमंत्री बनी थी तो उसके जो निर्वाचन है यानी कि जो चुनाव हुए थे उसको क्या कहा, अवैध कहा। यानी कि प्रखर का बोला कि ये गलत तरीके से प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। तो ये बात कब कहा, 12 जून 1975 के दिन। कौन? इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, जो जज है जिसका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा ने वो ये बात कहा, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो ये फैसला जो है कुछ दिन पहले न्यायमूर्ति जो कि इंदिरा गांधी की सपोर्ट में बनी थी, न्यायमूर्ति को कौन बनवाया था यानी कि जज कौन बनवाया था सुप्रीम कोर्ट के, वो है इंदिरा गांधी, ठीक है। तो न्यायमूर्ति ने यह फैसला जो है कुछ दिन पहले समाजवादी नेता राज नारायण जो कि 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ बतौर उम्मीदवार लड़े थे उसके लिए सुनाया था, लेकिन उसी चीज को उल्टा सुनाते हुए किसने, लाल सिन्हा ने जो है वो इंदिरा गांधी पर सुना दिया, ठीक है। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कहा कि इन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाया है। ये किसने कहा, ये दोस्तों सुप्रीम हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद के कोर्ट ने कहा, याचिका में कहा कि इन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ भी लिया है। उच्च न्यायालय का कहने का मतलब यह था कि प्रधानमंत्री अब संसद नहीं रही यानी कि वो अब संसद नहीं रही यानी कि वो अब एमपी नहीं रही, ठीक है। अब जो है वो इस पद पर कायम रहने के लिए 6 महीने के अंदर 2 बार संसद निर्वाचित होना होगा, यानी कि 2 बार उसको संसद के चुनाव में यानी कि चुनाव में उसको लड़ना पड़ेगा और फिर से जीतना पड़ेगा, तभी वो जो है इस संसद के पद पर रह सकती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे तो 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगनादेश यानी कि एक प्रकार का स्टे ऑर्डर लगा दिया। स्थगनादेश का मतलब क्या हो गया, स्टे ऑर्डर, ठीक है, लगा दिया और कहा अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी लेकिन मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेगी। तो ये कब कहा था, 24 जून 1975 को। कौन कहा था, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, किसको, उच्च न्यायालय को, ठीक है। ये कहा था उसको कि आप जो अपील का निर्णय है वो आने तक यानी कि जो अपील का निर्णय है वो आने के बाद ही जो इंदिरा गांधी है वो सांसद उस वक्त तक बनी रहेगी और लेकिन ये जो है मंत्रिमंडल के जो भी बैठक होंगे उसमें ये शामिल नहीं होंगे, ठीक है। फिर जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। कब, 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। उन्होंने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से प्रार्थना किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन ना करें, इससे भी सरकार जो है यानी कि सरकारी कामकाज जो है वो ठप होने की आशंका बढ़ी और राजनीतिक मिजाज अब और भी
कांग्रेस के खिलाफ हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ रीजन थे जो कि बताए, और इसके ही जस्ट के बाद जो है आपातकाल की घोषणा हो जाती है। तो आपको ये सभी पॉइंट जो है दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कब हुआ था ये? 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन करवाया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। और इसको क्या कहा? सत्य राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। ठीक है, इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग के करते हुए। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अंत में सरकार ने इन सारी घटनाओं को देखकर इसके जवाब में 25 जून 1975 के दिन, कब? 25 जून 1975 के दिन, यानी कि 1975 के दिन आपातकाल की घोषणा कर दी, यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कर दी। और दलील यह दिया, और बहाना यह किया, दलील यह दिया कि देश में गड़बड़ी की आशंका है। इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। और सरकार का कहना था कि देश में गंभीर और संकट की जो है घड़ी आन पड़ी है, यानी कि देश में गंभीर की स्थिति आ पड़ी है, और इसी वजह से आपातकाल लागू करना जरूरी था। ये किसने कहा? इंदिरा गांधी ने दलील देते हुए कहा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में आपातकाल की स्थिति में, यानी कि जो इमरजेंसी लागू होती है उस वक्त में क्या क्या आखिर सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है हमारे संविधान में। फिर हम लोग देखेंगे जो आपातकाल के बाद जो परिणाम क्या हुए थे उस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय संविधान में आपातकाल की स्थिति में सरकार को जो विशेष शक्तियां प्रदान की गई है वो कौन कौन सी है। ठीक है, देखिए आपातकाल लागू होते ही सारी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में चली आती है। सरकार चाहे तो किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है, उनमें कटौती भी कर सकती है। ठीक है, तो सरकार के पास जितने भी राज्य सरकार है वो सभी का जो एक प्रकार का पावर है वो किसके पास आ जाती है? वो केंद्र सरकार के पास आ जाती है सभी शक्तियां। और सरकार अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों पर रोक भी लगा सकती है और उन पर कटौती भी कर सकती है। ये किया है, यानी कि भारतीय संविधान में आपातकाल की स्थिति में ये केंद्र सरकार को पावर दी गई है। ठीक है, 25 जून 1975 को, कब? 25 जून 1972 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। और राष्ट्रपति ने, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे आप ध्यान रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, 25 जून 1972 को। ठीक है, चलिए, तो आपातकाल लागू करने की सिफारिश की, राष्ट्रपति ने तुरंत यह घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई, विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को जो है इन बातों की सूचना दी गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। ठीक है, तो इमरजेंसी लागू होने के बाद, इमरजेंसी कब लागू हुई थी ध्यान रखिएगा, 25 जून 1975 को। तो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू होने के बाद 26 जून के दिन मंत्रिमंडल में इस चीज का जो है पता चला था, तब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी। अब देखते हैं परिणाम के बारे में, आपातकाल लागू होने के बाद, खत्म होने के बाद क्या क्या परिणाम हुए, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं और चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका, सरकार के इस फैसले के बाद इसके विरुद्ध जितने भी आंदोलन चल रहे थे वो सभी आंदोलन जो है एक ही बार में रुक गया, और हड़तालों पर भी जो है रोक लगा दी गई। ये आपका पहला परिणाम। दूसरा परिणाम क्या था? अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक माहौल में एकदम से सन्नाटा छा गया, इसमें नेताओं में तनाव उत्पन्न हो गए, यानी कि एक प्रकार का स्ट्रेस उत्पन्न हो गए। जितने भी विपक्षी नेता थे उनमें क्या हो गया? एक प्रकार का तनाव जो है वो उत्पन्न हो गया। तीसरा पॉइंट था आपका, तीसरा परिणाम था, समाचार पत्रों को कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना पड़ता था, यानी कि कोई भी चीज न्यूज छापेंगे तो सबसे पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। प्रेस की आजादी पर भी रोक लगा दी गई थी, इसे क्या कहा जाता है? सेंसरशिप। ठीक है, तो अगर प्रेस की आजादी पर रोक लगाया जाएगा तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसरशिप। तो प्रेस की जो आजादी है उस पर भी रोक लगा दी गई थी। सरकार को सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका हुई, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि बैन कर दिया। ठीक है, तो सरकार को सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की जब आशंका हुई तो उन्होंने क्या किया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, यानी कि जो RSS था, और एक जमाते इस्लामी था, इन दोनों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब आपका पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, धरना प्रदर्शन हड़ताल की भी जो है अनुमति नहीं थी, यानी कि कोई धरना भी नहीं कर सकता है, कोई प्रदर्शन भी नहीं कर सकता है, कोई हड़ताल भी नहीं कर सकता है। ये तीनों चीजों की जो है परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी, और बहुत सारे मौलिक अधिकार भी छीन लिया गया था। इसमें एक था कि अब अदालत का भी दरवाजा जो है वो नहीं खटखटा सकता है, तो बहुत सारे मौलिक अधिकार को जो है छीन लिया गया था, जिसमें से एक मौलिक अधिकार था कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में या फिर अदालत में जाकर के अपना जो है एक प्रकार का याचिका डाल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यानी कि अदालत का भी दरवाजा आप नहीं खटखटा सकता था, ये भी जो है मौलिक अधिकार उन लोगों से छीन ली गई थी। अब आपका छठा पॉइंट है, लोगों को सिर्फ इस बात से गिरफ्तार किया जाता था
कि वो कोई अपराध कर सकते हैं। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, ठीक है। तो लोगों को सिर्फ इस बात के लिए गिरफ्तार किया जाता था कि वो शायद ऐसा गलती कर सकते हैं, किया नहीं, बस कर सकते हैं, बस इस गलती पर एनजीओ पर बोल सकते हैं, ये समझ को लेकर के जो है लोगों को गिरफ्तार करने लगे, ठीक है। फिर आगे देखेंगे अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को, तो आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। पहली लहर में जो कार्यकर्ता गिरफ्तार होने से बच गए थे वो भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन भी चलाई, ठीक है। अब तीसरा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। यानी कि जो प्रेस पर सेंसरशिप लगा था, तो एक आपका इंडियन एक्सप्रेस हो गया और एक आपका स्टेटमैन हो गया, ये जो दोनों अखबार थे यानी कि इन जैसों के जो अखबार थे वो क्या किया, सेंसरशिप का जो है विरोध किया। जिन समाचारों को छापना मना था वहां पर क्या किया, वो पेज को खाली छोड़ देते थे, यानी कि जो समाचार को छापना मना था तो वहां पर वो समाचार जितनी जगह में आती उस जगहों को क्या करते थे, खाली छोड़ देते थे। कई पत्रिकाओं जैसे कि सेमिनार हो गया और मेन स्ट्रीम हो गया, इन दोनों ने सेंसरशिप के घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा, ठीक है। तो कई ऐसे पत्रिकाएं थे जैसे कि आपका एग्जांपल ले लिया, एक सेमिनार हो गया आपका, एक आपका मेन स्ट्रीम हो गया, ये सभी जो है सेंसरशिप के घुटने यानी कि सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने के बजाय क्या हुआ, एक जो है इस काम को बंद करना मुनासिब समझा, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो पद्मभूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक जिसका नाम था शिवराज कारंत, क्या नाम था, शिवराम कारंत, और एक आपका था पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक जिसका नाम था फणीश्वरनाथ रेणु, ये दोनों जो है लोकतंत्र दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवी जो है लौटा दी, ठीक है। तो किसके विरोध में, यानी कि लोकतंत्र दमन के विरोध में अपनी अपनी जो पदवा थी यानी कि जो उसके एक प्रकार का पदवी जो है वो लौटा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो संविधान के सामने संसद ने कई चुनौतियां खड़ा कर दी। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो उच्च न्यायालय का ने फैसला लिया था, सबसे पहले इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में इस फैसले को लेकर संविधान में संशोधन हुआ और प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचिका को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि यहाँ पर कहना यह चाहता है कि जो आपने जैसे कि सुना, थोड़ी देर पहले सुना कि जो इंदिरा गांधी है वो जो है निर्वाचन जो है यानी कि जो चुनी गई जो प्रधानमंत्री बनी है वो गलत तरीके से बनी है, वो जो है सरकारी लोगों का एक प्रकार का क्या है, विश्वास किया है यानी कि सरकारी लोगों का फायदा उठाया, ठीक है। तो ऐसा भी जो है सुप्रीम कोर्ट यानी इलाहाबाद के जो हाईकोर्ट थे उन्होंने इस पर बैन लगा दिया, किस पर, इंदिरा गांधी पर। बस इंदिरा गांधी उसी चीज को बदलना चाहता था, वो कानून को बदलना चाहता था और वो उसमें ये करना चाहता था कि जो कोई भी इलाहाबाद हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, ये सभी जो है कोई भी पार्टी पर, कोई भी बड़े बड़े नेता पर क्या कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इन तीनों पर कोई भी यानी कि कदम नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन जो है वो पारित हुआ। तो ध्यान दीजिएगा 42वां संशोधन कब पारित हुआ था, आपातकाल के ही दौरान, कब, आपातकाल के ही दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन पारित हुआ। इस संशोधन के जरिए संविधान में कई बदलाव किए गए, जिसमें एक था देश की विधायकों के कार्यकाल को 5 से बढ़कर 6 साल करना। इसके अलावा आपातकाल के दौरान ही चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके लिए जो चुनाव 1971 के बाद 1976 में होती है वो 1978 में करवाए जाते जा सकते थे, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको एक एक करके ध्यान में रखना है। तो ये आपका थी आपातकाल की घोषणा और कैसे कैसे आपातकाल की घोषणा होती है उसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोगों ने देखा कि आपातकाल के समय सरकार को कौन कौन सी बड़ी शक्तियां एक प्रकार का जो है उसको मिल जाती है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा परिणाम। अब आगे हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका, क्या आपातकाल जरूरी था। इसमें एक आपका पक्ष है, एक आपका विपक्ष है, तो इन दोनों की राय को सुनते हैं। चलिए, एक सबसे पहले आपका है पक्ष, यानी कि आपातकाल क्या जरूरी था, इसमें पक्ष जो है वो क्या कहते हैं देखते हैं। आपातकाल घोषणा करने का कारण अंदरूनी गड़बड़ी बताया, जबकि 1975 से पहले कभी भी जो है ऐसी कारण नहीं, यानी कि ऐसी कारण से आपातकाल नहीं लागू हुआ था, ठीक है। तो अंदरूनी गड़बड़ी बताया, आपातकाल घोषणा जो बताया तो उसके पीछे के कारण क्या बताया, अंदरूनी गड़बड़ी, जबकि 1975 से पहले कभी भी जो है ऐसे कारण से जो है आपातकाल लागू नहीं हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे तो सरकार का कहना था कि भारत में लोकतंत्र है, सरकार का क्या कहना था, भारत में लोकतंत्र है, इसलिए विपक्षी दलों को चाहिए कि हमें सही से शासन चलाने दे। यानी उनका कहना था कि बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उसका मानना था कि सरकार पर निशाना साधने के लिए बार बार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जाता, इससे अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान विकास के कामों पर नहीं जाता है।
सारी ताकत जो है कानून व्यवस्था पर लगानी पड़ती है। ठीक है, अब अगर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, एक पॉइंट में से जो आपका जो तीसरा पॉइंट देखेंगे, इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी में लिखा कि, अब शाह आयोग क्या है हम लोग आगे समझेंगे, तो इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़चने डाल रही थी और मुझे गैर संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल जो है करना चाहती थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को जो है ये चिट्ठी दिया और उसको कहा कि विनाशकारी ताकतें जो है वो सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़चने डालना चाहती थी और वो जो है गैर संवैधानिक साधनों के जो है बूते पर, बल बूते पर सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। किसको? इंदिरा गांधी को। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे तो सीपीआई आपातकाल का समर्थन करती थी और वह कहती थी कि भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। आपातकाल के बाद सीपीआई को लगा कि यह गलत है। ठीक है, और आपातकाल के बाद जो है सीपीआई को लगा था कि यह क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका पक्ष, यानी कि क्या आपातकाल जरूरी था, उसके पक्ष में आपका ये बातें कही। अब देखते हैं विपक्ष के बारे में। देखिए, दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का, यानी कि जो डिस्कशन करते थे, जो आपातकाल के बारे में बोलते थे, उसका जो है तर्क था कि आजादी के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन चलता आ रहा है। उनका कहना था कि सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए, फिर बिहार और गुजरात में जो आंदोलन चला था वह तो अहिंसक और शांतिपूर्ण था। यानी कि उनका कहना यह था कि सार्वजनिक तौर पर जो सरकार है के विरोध का जो है अधिकार होना चाहिए, लेकिन बिहार और गुजरात में जो आंदोलन चला था वह क्या था, एक अहिंसक और शांतिपूर्ण था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उस पर पहले कभी भी राष्ट्रीय विरोध का मुकदमा नहीं चला था। देश के अंदरूनी मामलों की देखरेख की जिम्मा जो है वो किसे था, गृह मंत्रालय का होता है। किसे होता है? देश के अंदर की जो देश के अंदरूनी, यानी कि देश के, तो सीपीआई जो है वो आपातकाल का क्या करती थी, यानी कि इमरजेंसी का जो है समर्थन करती थी और वह कहती थी कि भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है और आपातकाल के बाद जो है सीपीआई को लगा कि यह गलत है और आपातकाल लागू होने के बाद सीपीआई को यह महसूस हुआ, लगा कि यह क्या है, गलत है। तो चीजें आ गई, ये आपका हो गया पक्ष, आपातकाल जरूरी था इसके पक्ष में। अब विपक्ष के रूप में कौन कौन थे उसको देखते हैं। तो दूसरी तरफ जो है आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि आजादी के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन जो है वो चलता आ रहा है। ठीक है, जब से आजादी हुई उसके बाद से लोग जो है वो कहीं ना किसी टॉपिक पर, यानी कि किसी ना किसी मुद्दे पर क्या कर रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं। ठीक है, उसका कहना था कि सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए, सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए, फिर बिहार और गुजरात में जो आंदोलन चला था वो क्या था, एक अहिंसक था और शांतिपूर्ण था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उस पर पहले कभी भी राष्ट्रीय विरोध का मुकदमा नहीं चला था। देश के अंदरूनी मामलों की देखरेख का जिम्मा जो है वो किसको दिया जाता है, गृह मंत्रालय को, यानी कि देश के अंदर गृह, यानी कि देखरेख की जो जिम्मेदारी है वो किसको दिया जाता है, गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय ने कभी भी कोई चिंता नहीं जताया इस चीज को लेकर के। और कानून व्यवस्था को लेकर अगर कुछ आंदोलन अपने हद से बाहर जा रही थी तो सरकार के पास इतनी ताकत तो थी कि वो इसे रोक सके और आपातकाल लागू करके, यानी कि वो इसे रोक सके, लेकिन क्या आपातकाल लागू करने की जरूरत थी, यानी कि ये क्या इसकी जरूरत थी। ठीक है, आगे देखेंगे, दरअसल खतरा देश की एकता और अखंडता की नहीं, दरअसल खतरा देश की एकता और अखंडता की नहीं बल्कि शासक को, यानी कि शासक दल को और खुद प्रधानमंत्री को था। उन्होंने अपने को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए संविधान का दुरुपयोग किया। तो चीजें आपको समझ में आ गई किस तरीके से विपक्ष और पक्ष की बात हो रही है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं शाह आयोग के बारे में। देखिए, 1977 की मई में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। तो कब किया गया था, शाह जांच आयोग का 1977 के मई महीने में जनता पार्टी की सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के शांतिपूर्ण न्यायाधीश श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है। ठीक है, इसका गठन जो है 25 जून 1975 के दिन आपातकाल के दौरान की गई और कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग जो है वो अतिचार और कदाचार के अलग अलग आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। ठीक है, आयोग जो है वह हजारों गवाहों की बयान को दर्ज किया और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के साक्ष्यों की जांच किए। इन गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया। तो चीजें आपको एक एक करके समझ में आ रही है शाह आयोग के बारे में। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग समझ जाइए। अब हम लोग देखते हैं आपातकाल के दौरान
क्या क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, फिर आगे हम लोग देखेंगे आपातकाल से हम लोगों ने क्या मतलब कि सबक लिया, ठीक है, फिर आपातकाल के बाद की राजनीति पर कुछ टॉपिक के बाद जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपातकाल जो कि हम लोगों ने देखा आपातकाल के सबक अभी बाकी है, फिर आपका बाकी है क्या आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा शाह जहाज आयोग के बारे में और आपातकाल जरूरी था, उसमें जो आपका मेन मेन पॉइंट आता है उसको दोस्तों हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि जो है आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, उसके क्या क्या परिणाम हुए उसको भी हम लोगों ने देखा, और प्रधानमंत्री को यानी कि केंद्र सरकार को कौन कौन से पावर मिल जाते हैं, बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है, उसको भी हम लोगों ने देखा। अब दोस्तों देखते हैं आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, ठीक है। सरकार ने कहा कि वह आपातकाल के जरिए कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहती थी, ठीक है, कार्य कुशलता बनाना चाहती थी, गरीबों के हित में सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। कौन सी कार्य की? 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। अब देखिए आगे 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार हो गया, भू पुनर्वितरण, खेतिहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पूर्ण विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि मसले भी शामिल थे। तो ये आपका 20 सूत्री में जो है सभी मसले शामिल थे, ठीक है। आगे देखेंगे तो आपातकाल की घोषणा के बाद शुरुआती महीने में मध्य वर्ग खुश था, क्योंकि विरोध जो है यानी कि विरोध आंदोलन जो है वो खत्म हो गया और सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासन लागू हुआ। गरीब लोग को लग रहा था कि वो अपना वादा पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो आलोचकों ने सबको बताया कि सबका जो है यानी कि ध्यान बांटने के लिए सरकार वादा कर रही है। आपातकाल के दौरान 676 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। सहायोग के आकलन था कि निवारक नजरबंदी के कानूनों के तहत लगभग 111,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। कितने? 111,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया निवारक नजरबंदी के कानूनों के तहत, ठीक है। यानी कि आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ हम लोग देखते हैं, यानी कि जब आपातकाल लागू हो गई थी उस समय क्या क्या हो रहा था उसको चीज उसी चीज को देखते हैं, ठीक है। प्रेस पर कई तरीके के पाबंदी लगाई गई थी, प्रेस पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई थी, इसमें कई पाबंदियां जो है वो क्या थी, गैर कानूनी थी, ठीक है। 26 जनवरी 1975 की रात 2 बजे बिजली आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से मौखिक आदेश मिला कि सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति कर दी जाए। फिर 2 से 3 दिन बाद बिजली आपूर्ति बहाल की गई, लेकिन तब तक सेंसरशिप का पूरा जो है तैयार हो चुका था, ठीक है। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री के छोटे बेटे जिसका नाम था संजय गांधी, उस वक्त किसी पद पर नहीं था, फिर भी प्रशासन पर उनका असर था और उन पर आरोप लगा कि वह सरकारी कामकाज पर दखल दिया, ठीक है, और दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी करने की मुहिम में इनकी भूमिका को लेकर बड़े विवाद उठे, ठीक है। आगे देखेंगे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रेस पर लगी पाबंदी के अलावा आपातकाल का पूरा असर आम लोगों को भुगतना पड़ा, ठीक है। तो एक आपका हो गया क्या, गिरफ्तारी हो गया, और एक आपका हो गया प्रेस पर जो लगा वर्ग है उसका, यानी कि जो प्रेस पर लगा जो प्रेस पर लगी पाबंदी है उसके अलावा आपातकाल का पूरा असर हम लोगों को भुगतान करना पड़ा। आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौत और यातना घटनाएं घटी। हाँ, आम जनता को एक जगह से दूसरी जगह बनाने की भी घटनाएं हुई, जबरदस्ती लोगों का नसबंदी कराया गया, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट हुआ था आंदोलन के दौरान जो कि हम लोगों ने देखा, एक एक पॉइंट सभी पॉइंट आपका जो है इम्पोर्टेंट था। अब आगे हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपातकाल के सबक आपका आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, एक एक करके आपको सभी पॉइंट को बताएं, बस यहाँ पर लिखी भी अगर आप अपने से भी पढ़ेंगे तो सारी चीजों को समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वो पीडीएफ जो है यानी कि नोट जो है कुछ इसी प्रकार बनाया गया है कि आप सेल्फ भी समझ सकते हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे आपातकाल के सबक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला इसका जो सबक है यानी कि आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां और ताकत जो है वो उजागर हुई, ठीक है। क्या क्या ताकत थी भारतीय लोकतंत्र की और क्या क्या कमजोरियां थी, इनकी बहुत ज्यादा उजागर हो गई, लेकिन यह फिर कुछ दिन में ठीक हो गया। पहला सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा करना बहुत कठिन है। पहला सबक
दूसरा था संविधान में जो आपातकाल के बारे में लिखा है उन प्रावधानों में सुधार किया गया, यानी कि आपातकाल लागू होने के बाद जितनी पावर मिल जाती है केंद्र सरकार को उन पर क्या किया गया, एक प्रकार का सुधार किया गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है, यानी कि अंदरूनी जो आपातकाल है, अंदरूनी के कारण जो आपातकाल है वो सिर्फ कब लगाया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। और आपातकाल की घोषणा की सलाह जो है वो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में देना होगा, यानी कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में जो है आपातकाल की घोषणा के बारे में देना होगा, ठीक है, यानी कि अपने से नहीं लगा सकता है। जैसे कि 25 जून को यहाँ पर जो है आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, 25 जून को, और जस्ट एक दिन बाद तब मंत्रिमंडल को पता चला था, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इस पर जो है संशोधन किया गया। तीसरा पॉइंट है आपका, आपातकाल के बाद नागरिकों के अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा करने की नीति बनाई, ठीक है, आपातकाल के बाद नागरिकों के अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा करने की नीति बनाई जिसके लिए कई संगठन बने। चौथा पॉइंट है आपका, आपातकाल के बाद अभी भी एक समस्या है, पुलिस और प्रशासन स्वतंत्र होकर काम नहीं करती है, यह अभी शासक दल और प्रशासन की चपेट में है, तो ये जो है अभी भी समस्या है। तो ये हो गया आपका आपातकाल के सबक। आगे हम लोग देखेंगे आपातकाल के बाद की राजनीति, जी आप बहुत ही इंपोर्टेंट है, समझते हैं। देखिए, आपातकाल समाप्त होते ही लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, इससे कीमती और सबसे जरूरी सीख जो है वो राज्य व्यवस्था से थी, राज्य व्यवस्था ने लिया, ठीक है, विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा, आपातकाल के कारण जनता का फैसला निश्चित था, जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना उसे हराकर भारी दंड दिया, ठीक है, तो जिन सरकारों को, यानी कि जो यहाँ पर कांग्रेस की बात हो रही है, तो कांग्रेस को जो है भारी दंड मिला, यानी कि एक प्रकार का बहुत बड़े लेवल पे हार मिला, ठीक है, और पहली बार कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि उसके ऑपोजिशन पार्टी 1977 में, यानी कि चुनाव जो हुए तो उसमें जो है मोरारजी देसाई टोटल 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो जो है आपकी जो वन सेकेंड, लोकसभा चुनाव टॉपिक आपका एक, लोकसभा चुनाव यानी कि 1977 में जो हुआ था, फिर आपका एक टॉपिक का परिणाम, ठीक है, फिर आपका मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जनता सरकार, जगजीवन राम, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है चैप्टर वो फिर वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और जो आपका पार्ट 3 आएगा उसमें जो है ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। पार्ट 3 ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 मिनट का आपका बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है, उसके लिए चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद इसका जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो कल के वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में हम लोग जो है लोकसभा के चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे हैं जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख लीजिए पार्ट 1 को, और ये आपका पार्ट 2 था, इसके जस्ट बाद पार्ट 3 भी आ जाएगा, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो उसका भी जो लिंक है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, और जो भी वीडियो को प्लीज अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।